मैं हूँ साउथ अफ्रीका में, जहाँ राइनो की इस धरती की सबसे बड़ी बची कुची आबादी मौजूद है। अफसोस कि यहाँ भी इनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। लगभग हर 8 घंटे में उसके सींग के लिए राइनो का शिकार किया जाता है। राइनो के सींग की एशियाई मार्केट में तस्करी की जाती है, जहां उन्हें बिना किसी वैज्ञानिक सबूत के चिकित्सा और एफ्रोडीजियाक गुणों के लिए बेचा जाता है। इन गलत धारणाओं की वजह से जंगली राइनोज की तादाद लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। कुछ का मानना है ऐसे ही चलता रहा तो वो 10 साल के अंदर लुप्त हो जाएंगे। खुशकिस्मती से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जान को दांव पर लगाकर इन राइनोज की जान बचाने में जुटे हैं। मैं ऐसे ही कुछ बहादुर कंजर्वेशनिस्ट्स और रेंजर्स के साथ जुड़ने वाला हूं, जो हर रोज इस जंग को लड़ते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अब तक क्या क्या किया गया है और इस जंग का कोई अंत है भी या नहीं। जूलूलैंड राइनो रिजर्व से बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है, जहां वाइल्ड लाइफ वेटरनेरियंस अपनी जान को दांव पर लगाकर काम करते हैं। ये लोग हीरो हैं और फिलहाल ये एक राइनो को डार्ट से बेहोश करने की कोशिश में है। तो हम लोग अब यहाँ पहुंच गए हैं जहाँ गेम स्काउट्स राइनो का पीछा कर रहे हैं। उस राइनो का जिसे आज दोपहर को बेहोश करना है, ये यहाँ चल रही एक रिसर्च का हिस्सा है जिसमें ये लोग राइनो के जेनेटिक्स को मैप और प्लॉट करना चाहते हैं। ये प्रोग्राम इस इलाके में पोचिंग रोकने के लिए अहम है। राइनो से लिए गए बायोप्सी सैंपल देश के DNA डेटाबेस में डाले जाएंगे और इनके सींग में माइक्रोचिप लगाए जाएंगे। अगर ये सींग किसी पोचर के हाथ लगा और बाद में वो सींग पकड़ा गया तो ये बताया जा सकेगा कि ये सींग कहां से आया। माइक टॉफ्ट, जो एक कॉन्ट्रैक्टेड वेटरिनेरियन है, बड़े जानवरों को बेहोश करने में माहिर हैं। माइक कारन होम्स के साथ काम करेंगे, जो इस रिजर्व की जनरल मैनेजर हैं। वो एक एयर राइफल की मदद से M99 नाम की बेहोशी की दवाई ठीक मात्रा में डार्ट में भरकर राइनो को बेहोश करेंगे। M99 में मॉर्फीन से 1000 गुना ज्यादा शक्ति है। इस दवाई की छोटी सी बूंद कुछ ही सेकंड्स में इंसान की जान ले सकती है। तो पहले आप राइनो पर नजर रखेंगे? पहले उसे देखते हैं, फिर उसकी हालत और उसके कौन से जानवर को ज्यादा दवाई लगती है? भारी जानवर, बूढ़े जानवर। अच्छा, बूढ़े कुछ हद तक। अच्छा हाँ। अच्छा, हर एक साल के लिए हम M99 का 1 mg बढ़ाते हैं और फिर तय करते हैं, मगर हम 5 mg से ऊपर नहीं जाते। अच्छा, माइक फ्लाइट में ही डार्ट को पूरी तरह रेडी रखेंगे ताकि बाद में इन सब चीजों पर ध्यान ना देना पड़े। ये जानवर इतना अनमोल है कि हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब बस कुछ ही मिनटों में हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला है। उम्मीद है ये डार्ट राइनो को लग जाए और फिर हमारा काम शुरू होगा। गलती की संभावनाएं कई है। दवाई और डार्ट को उड़ते हेलीकॉप्टर में भरा जाएगा। ये वही दवाई है जिसकी एक बूंद इंसान को कुछ ही सेकंड में मार सकती है। ये बहुत जरूरी है कि डार्ट भरते वक्त माइक अपना हाथ स्थिर रखें। यहां गलती भारी पड़ सकती है। हमें जल्दी जाना होगा। वो राइनो बस रिज के उस तरफ खड़ा है। हम जितना मुमकिन हो सके उतना करीब जाएंगे और फिर डार्ट मारेंगे, क्योंकि पता नहीं डार्ट लगने के बाद वो कितना दूर भागेगा। यहाँ के वाइल्ड लाइफ मैनेजर की गाड़ी हमारे सामने चल रही है और वेटरिनरी व्हीकल हमारे पीछे आ रहा है। ये मजेदार तजुर्बा होने वाला है। मेरा नाम है आइवन कार्टर, हंटर, कंजर्वेशनिस्ट और एक वाइल्ड लाइफ इन्वेस्टिगेटर। मैं इस वक्त साउथ अफ्रीका के जूलूलैंड राइनो रिजर्व में आया हूँ। यहाँ मैं एक खतरनाक जंग में हिस्सा लूंगा और खुद अपनी आंखों से देखूंगा कि राइनोज आखिर विलुप्त होने की कगार पर क्यों हैं। मैं एक कार्यवाही का हिस्सा हूं और राइनो को डार्ट से बेहोश करने वाले हेलीकॉप्टर का पीछा कर रहा हूं। माइक डार्ट गन से निशाना लगाते हैं और पायलट हम जमीन पर खड़ी टीम को लगातार स्थिति बताते हैं। जिस राइनो को बेहोश करना है वो पहचान लिया गया है। इस 3 इंच लंबे डार्ट को अब राइनो के किसी मसल में भेदना होगा, पर जिस जीव की खाल ही 3 इंच मोटी हो उसके साथ ऐसा करना आसान नहीं। माइक ने दवाई को CO2 पावर डार्ट में भर दिया है। अब माइक को हेलीकॉप्टर की टर्बुलेंस, रोटर्स की तेज हवा और हिलते हेलीकॉप्टर में बैठकर एक दौड़ते राइनो पर सटीक निशाना लगाना है। डार्ट निशाने पर लगा। अब देखिए, राइनो बिल्कुल नीचे खड़ा है हेलीकॉप्टर के। डार्ट उसे लग चुका है। हेलीकॉप्टर राइनो से दूरी बनाए हुए है ताकि राइनो उससे डर ना जाए। जिस राइनो को डार्ट लगा है वो पीछे वाला है। देखिए, उसकी पूंछ नीचे होने लगी है, उसकी गर्दन नीचे हो गई है।
देखिए उसकी पूंछ बिल्कुल गिर गई है, जबकि उसके आगे वाले की पूंछ घूमकर पीठ पर लगी हुई है। इससे पता लगता है कि दवाई का असर शुरू हो गया है। अब हो दरअसल ये रहा है कि हेलीकॉप्टर राइनो के बिल्कुल सामने जा रहा है, इस कोशिश में कि राइनो खुले मैदान में ही रहे ताकि वेट्स और गाड़ियां राइनो तक आसानी से पहुंच सकें। अगर राइनो किसी खड्डे में या झाड़ी में बेहोश हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। ये राइनो अब बेहोश होने की कगार पर है। देखिए उसके आगे के पैर कैसे डगमगा रहे हैं, और वो जो मादा है इसके साथ वो इसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। हम अगर अपना काम शुरू कर देते हैं और वो आसपास रही तो मुश्किल हो जाएगी। देखिए अब राइनो बिल्कुल सड़क पर बेहोश हो गया है, मगर दिक्कत यह है कि एक मादा उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, और इस आकार की मादा इंसानों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। मादा को भगाने के लिए हमें हेलीकॉप्टर चाहिए। अगर हम उसे हटाए बिना राइनो के पास गए तो वो हम पर हमला कर देगी। वक्त कम है और दवाई का असर शुरू हो चुका है। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं, पर हम अपना कीमती वक्त मादा को भगाने में बर्बाद कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि दोनों में से किसी भी राइनो को किसी तरह की तकलीफ हो। हमें डर है कहीं ये किसी गाड़ी से न टकरा जाए या खुद को चोट न पहुंचा ले। हेलीकॉप्टर मादा को भगाने में कामयाब रहा, मगर टीम को जल्दी काम करना होगा। मादा कभी भी लौट सकती है। वेट्स राइनो की तरफ दौड़ रहे हैं, पहली बार उसे देखेंगे, मगर पहला काम वो ये करेंगे कि उसकी आंखें ढकेंगे। इस दवाई का ये असर भी होता है कि इससे आंखों के प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं, तो इसकी आंखों को नुकसान हो सकता है अगर आंखें खुली रहेंगी पूरी तरह डायलेटेड। आप देख सकते हैं सब कितनी फटाफट काम कर रहे हैं। वक्त का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इन्हें 15 मिनट में अपना सारा काम निपटाना होगा। ये लोग राइनो के कान में सॉक्स लगा रहे हैं ताकि वो ये सब आवाजें सुनकर स्ट्रेस में ना आ जाए। अब इसे धकेल कर लेटाया जाएगा। हमें इसे एक साइड पर लेटाना होगा। हालांकि सीधे लेटना इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए अच्छा है, मगर इसके पैरों में खून का रिसाव बंद हो सकता है, जिससे इसका उठ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए वो मादा अब भी यहाँ आने की कोशिश में है। उसे यहाँ से दूर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके और हमारे दोनों के भले के लिए। अब डिलन इसके ऊपर थोड़ा पानी डाल रहे हैं। इस तरह बेहोश होने पर इनका शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये ठंडा और गीला रहे। ये इसकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैरन कुछ मेजरमेंट्स ले रही हैं, इसके होंठ की चौड़ाई वगैरह। इस वक्त यहाँ हर कोई बिल्कुल फोकस्ड है। सबसे पहले बायोप्सी सैंपल लिए जाएंगे, जिससे इनके जेनेटिक डेटाबेस में मदद मिलेगी। जैसे जैसे इन्हें यहाँ से हटाया जाता है या इनकी ब्रीडिंग की जाती है, खून निकाला जाता है, जिससे इन्हें डीएनए मिल जाएगा। और दवाई का असर खत्म करने के लिए राइनो को एंटीडोट का एक छोटा इंजेक्शन दिया जाता है। आखिर में सबसे जरूरी काम, इसके कान के पीछे की खाल और सींग में माइक्रोचिप्स लगाई जाएंगी। यहाँ जमा की गई हर जानकारी को पोचिंग के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पोचर्स अपने काम से बाज नहीं आएंगे, लेकिन अगर इस राइनो का अवैध शिकार किया गया और इसका सींग पकड़ा गया तो ये पता लगाना आसान हो जाएगा कि ये सींग कहां से आ रहा है। तो ये जो सुई है इसके अंदर वो माइक्रोचिप है जिसे आगे वाले सींग, पीछे वाले सींग और कान के पीछे लगाया जाएगा। इस सींग के छेद को वुड ग्लू से भर दिया जाएगा और ऊपर जरा सी मिट्टी लगा दी जाएगी, और इस माइक्रोचिप के जरिए हम इस सींग को हमेशा के लिए ट्रैक कर सकते हैं। ये माइक्रोचिप उसके शरीर में लगाया जा रहा है ताकि अगर इसकी मौत हो जाए और सींग चोरी हो गया तो आपको पता लग सकता है कि ये एग्जैक्टली कौन सा राइनो था। ये देखकर बड़ी हैरानी होती है कि ये सब काम सिर्फ 15 मिनट में पूरा करना होता है। सब बहुत जल्दी काम करते हैं, और बहुत से लोगों को अंदाजा तक नहीं कि कंजर्वेशन के काम में ये सब भी होता है। राइनो की ब्रीदिंग अब बिल्कुल अलग होने लगी है। कुछ ही मिनटों में इसे फुल एंटीडोट दिया जाएगा और कुछ ही देर में यह खड़ा हो जाएगा और यहाँ से चला जाएगा। उस चिप से इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उम्मीद है कि ये एक लंबे समय तक जिएगा। हम इस राइनो को उठाने की तैयारी कर रहे हैं। ऑब्वियसली जितनी जल्दी उसे उठाएं उतना बेहतर होगा। ये होश में आने की पूरी कोशिश कर रहा है, और लीजिए ये उठकर खड़ा हो गया। थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है,
व्हाइट राइनोस सामाजिक जीव हैं और जैसे जैसे ये राइनो होश में आता चला जाएगा, ये सबसे पहले अपनी मादा को खोजने की कोशिश करेगा। इनकी मदद करने के लिए शुक्रिया के तौर पर हमें इनकी जिंदगी में झांकने का मौका मिल जाता है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि एक जानवर को बचाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आज हमने सिर्फ एक राइनो की मदद नहीं की है, हमने दो राइनोस को बचाया है। और वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यहाँ काम करने वाले लोगों ने मुझे चौंका देने वाली कहानियां सुनाई। वो कहते हैं कि राइनो के सींग की तस्करी की वजह से हमारे उत्तर की तरफ के सभी इलाकों में ये विलुप्तता की कगार पर हैं। राइनो के सींग बड़ी बेरहमी से काटे जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा करते वक्त राइनो जिंदा होता है। उम्मीद है मैं अपनी अगली मंजिल पर इन्हें और जान पाऊंगा, क्रूगर नेशनल पार्क में, जो करीब 18,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये साउथ अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी इलाके में है, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक की सरहदों के पास। ये न सिर्फ अफ्रीका के सबसे बड़े गेम रिजर्व्स में से एक है और दुनिया के बचे कुचे राइनोज का घर भी, बल्कि ये दुनिया के सबसे पैशनेट और कारगर एंटी पोचिंग एजेंट्स का घर भी है। राइनोज की सुरक्षा के लिए एंटी पोचिंग टीम्स साउथ अफ्रीकन नेशनल पार्क और हार्वर्ड बफेट जैसे प्राइवेट बेनिफैक्टर्स के दिए आला दर्जे के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करती हैं। इस जगह को संभालने वाले सेक्शन रेंजर रिचर्ड सावरी मेरे पुराने दोस्त हैं और उम्मीद है कि वो राइनोज को बचाने की इस जंग के बारे में और बताएंगे, वो जंग जो ये रोज लड़ते हैं। मेरे पार्क में आते ही मुझे बुरी खबर मिली, कल रात यहाँ 8 गोलियां चलाई गई हैं। 8 गोलियां तो बहुत गोलियां होती हैं। ये पार्क का वो हिस्सा है जहाँ बहुत से राइनोज होते हैं और पिछले कुछ हफ्ते और महीनों में यहाँ काफी राइनोज का शिकार भी हुआ है। रिचर्ड ड्यूटी पर हैं और उनका कहना है कि मैं उनसे वहां मिलूं जहां गोलियां चली थी। मॉर्निंग रिचर्ड, क्या हाल है? बढ़िया, आप कैसे हो? तो कल रात गोलियां चली? हाँ, रात 2 बजे हमारी पेट्रोल टीम ने गोलियां सुनी। हमें शक था कि इस इलाके में पोचर्स घूम रहे होंगे, इसलिए हमने क्लैंडेस्टाइन्स को यहाँ लगाया था। अब हम जानते हैं कि वो यहीं कहीं है। क्लैंडेस्टाइन पेट्रोल रिचर्ड की वो अंडरकवर पेट्रोल टीम है जिसकी पोजीशन की जानकारी सिर्फ रिचर्ड को होती है। ये टीम छिपकर बैठी रहती है और पोचर्स की किसी भी हलचल की जानकारी को तुरंत रिचर्ड तक पहुंचाती है। तो क्या रिपोर्ट है, घाटी के अंदर से गोलियों की आवाज आई थी क्या? हाँ, इस डायरेक्शन में गोलियां इस तरफ से चली थी। तो अब हम जाकर चेक करेंगे। मेरे बंदे ऑलरेडी काम पर लग गए हैं, वो सुबह की पहली किरण से लगे हुए हैं। उन्होंने किसी जानवर को घायल किया हो सकता है। मुझे कोई अंदाजा नहीं कि हमें क्या नजर आएगा, मगर एक चीज तो तय है, अगर 8 गोलियां चली हैं तो मुमकिन है कि किसी जानवर को तो जरूर लगी होंगी। ये तो बिल्कुल घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। क्लैंडेस्टाइन पेट्रोल अभी इस घाटी से गुजरी है। हमारा अंदाजा है कि वो गोलियां यहाँ पर इस इलाके में हमारे सामने की तरफ को चली होंगी। हम यहाँ ये देखने आए हैं कि हमें किसी राइनो के भागने का सुराग तो नहीं मिलता। ये भी हो सकता है कि हमें किसी राइनो की लाश मिल जाए या किसी इंसान का सुराग मिल जाए, उसके पैरों के निशान। आप देख सकते हैं रिचर्ड अपने साथ अपनी हैवी कैलिबर डबल राइफल लाए हैं। वो इसलिए कि अगर कोई जंगली जानवर हमारे सामने आ जाए, खासकर मोटी खाल वाले जानवर जो यहाँ घूमते हैं, जैसे कि हाथी, भैंसा या राइनो, और चूंकि गोलियां चली हैं तो हो सकता है उन्हीं में से कोई जानवर हो जो यहाँ घायल पड़ा हो, वो अगर धावा बोल दे तो उससे आपको अपनी सुरक्षा करनी होगी। एंटी पोचिंग वालों के पास मिलिट्री वाले हथियार हैं, क्योंकि वो इंसानों का ही तो शिकार कर रहे हैं। हम जंगल में और अंदर चल दिए जहां से गोलियां चलने का अनुमान था। उम्मीद तो है कि हमें कुछ नहीं मिलेगा और डर है कि किसी जानवर की लाश ना मिल जाए। वहां देखो, वहां एक लाश है। बहुत बड़ा राइनो नहीं है, छोटा राइनो का बच्चा लगता है। वहां एक लाश है, छोटा राइनो का बच्चा लगता है।
देखो ये कितना छोटा है, ये तो मुश्किल से एक साल का होगा। हाँ बहुत छोटा है। एक बेबी राइनो जो मुश्किल से एक साल का होगा, जमीन पर खून गिरा हुआ है जहां इसके आखिरी कदम पड़े होंगे। इसे गोली लगी थी, देखो इसके नाक के पास खून नजर आ रहा है, वहीं से खून बहने से इसकी मौत हुई। हम अगर इसका सींग भी तो बहुत छोटा सा होगा। हाँ ये देखो इसका पिछला सींग तो बिल्कुल था ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक हल्का सा उबार है। देखो मतलब ये लोग इंसान भी हैं या नहीं, बेचारे बच्चे को मार दिया और वो भी इसके सींग के लिए जो अब तक ठीक से उगा तक नहीं था और एक साल का भी पूरा नहीं हुआ था बेचारा। इसे रोकना पड़ेगा रिचर्ड, हमें इसे रोकना पड़ेगा। ऐसे हादसे रोज रोज देखकर हमारा दिल पत्थर का बन चुका है और इस नन्ही जान की कीमत इसके सिर पर उगने वाली सींग से बहुत ज्यादा है। रिचर्ड ये जो पोचर्स हैं इन्हें रोकना बहुत जरूरी है, ये तो एक छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। ये वापस जरूर आएंगे और जब आएंगे तब हम उनके स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। कल रात 8 गोलियों की आवाज सुनाई दी थी। ये बच्चा इतना छोटा है कि जरूर अपनी माँ के साथ रहा होगा। पोचर्स को जरूर दोनों दिखे होंगे और जब राइनोस दौड़े होंगे तो उन्होंने अपनी राइफल्स चलाई होंगी जिससे बच्चा मारा गया, और मुमकिन है कि माँ घायल हो क्योंकि बच्चे को सिर्फ एक गोली लगी है। ये बाकी की 7 गोलियां कहाँ गई वही पता लगाना है हमें। यहाँ खून तो नहीं लगा? नहीं, ये बेबी राइनो यकीनन अपनी माँ के साथ घूम रहा था मगर उसकी माँ कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो कहीं खून नहीं है, मुमकिन है कि वो माँ घायल है और भाग गई है। रिचर्ड अपनी पेट्रोल टीम से बात कर रहे हैं। पोचर्स के पास हथियार हैं और उनके पास राइनो का सींग भी है और वो यहाँ की एंटी पोचिंग टीम की काबिलियत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो सीधे बाउंड्री फेंस की तरफ भाग रहे होंगे। हम अब प्राइवेट जमीन पर आ गए हैं। ये ग्रेटर क्रूगर सिस्टम का हिस्सा है। जहाँ रिचर्ड की पेट्रोल टीम शिकारियों को ढूंढ रही है, वहीं हम क्राइम सीन से मिले राइनो के पैरों के निशान फॉलो कर रहे हैं। हालांकि इस जमीन पर खून नहीं है। याद रहे कि राइनो की चमड़ी 3 इंच मोटी होती है जिससे गोली के शरीर में जाने के बाद घाव अपने आप भर भी सकता है। पर कुछ ही देर चलने के बाद हमें राइनो की पहली ड्रॉपिंग दिखी। हम उसके करीब हैं। तो रिचर्ड ने इस मिशन के लिए जिन कुत्तों को चुना है वो हैं रोडीजियन रिजबैक। ये बड़े ही सख्त जान होते हैं, जंगलों में बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत ही निडर कुत्ते होते हैं। घायल जानवर ढूंढने के लिए रिचर्ड के कुत्ते परफेक्ट हैं। वो बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन के लिए ट्रेन किए जाते हैं जबकि एंटी पोचिंग कुत्ते इंसानों को ढूंढने के लिए ट्रेंड होते हैं। सूरज के चढ़ते ही यहाँ के माहौल में कमाल का बदलाव नजर आता है जो आपको शहरी जीवन में कभी दिख ही नहीं सकता। हवाएं तेज हो गई हैं, गर्मी बढ़ने लगी है। गर्मी बढ़ी है तो ह्यूमिडिटी कम हो गई है। इस सिचुएशन में 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो है कुत्तों की गंध पकड़ने की काबिलियत और ट्रैकर्स की पैरों के निशान ढूंढ निकालने की काबिलियत। अचानक एक सीनियर फील्ड रेंजर ने हमारी ओर इशारा करते हुए बंदूक तानी और आगे बढ़ना शुरू किया। उन्हें दूर शिकारी नजर आए हैं। कुछ पोचर्स असल में एंटी पोचिंग टीम के सामने आ गए मगर कोई गोलियां नहीं चली। अब हम हेलीकॉप्टर के आने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है वो ट्रैकिंग डॉग्स लेकर आएगा और फिर देखेंगे क्या होता है। अब तो सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है, ऊपर से 1.5 घंटे बाद यहाँ अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर रास्ते में है, हम उनसे ग्राउंड टू एयर रेडियो से बात कर रहे हैं और पोचर्स उस तरफ को भागे हैं तो हम लोग ठीक उनके पीछे हैं। लीजिए हेलीकॉप्टर आ गया। रिचर्ड उन्हें लगातार बता रहे हैं कि पोचर्स किस तरफ भागे हैं ताकि हेलीकॉप्टर से उनकी गंध उड़ ना जाए। हम बस उनके रास्ते से हट जाते हैं। ये लोग जल्द से जल्द जमीन पर वहां उतरेंगे जहां पोचर्स को आखिरी बार देखा गया था और उनका पीछा करना शुरू कर देंगे। टास्क फोर्स की सुरक्षा के लिए हम उनके चेहरे नहीं दिखा सकते पर जमीन पर उतरते ही टीम काम पर लग गई। कुत्तों ने गंध पकड़ ली है और अब वो तेजी से पोचर्स का पीछा कर रहे हैं। ये कुत्ते बहुत ही तेज हैं और इनके साथ वो लोग हैं जो इन शिकारियों का शिकार करने में माहिर हैं। उन शिकारियों के लिए तो अगले कुछ घंटे बहुत मुश्किल होने वाले हैं।
वो पाक का हेलीकॉप्टर जा रहा है और वो ऊपर से नजर रखेगा। अगर शिकारी भागने की कोशिश करेंगे, कुत्ते बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए तो वो भागने की कोशिश करेंगे तो वो फौरन उस हेलीकॉप्टर की नजर में आ जाएंगे। ओके कॉपी, थैंक्स थैंक्स फॉर द अपडेट। मुझे अभी रेडियो पर बताया गया है कि कुत्ते शिकारियों का पीछा कर रहे हैं और वो तेजी से भाग रहे हैं, शायद मिल जाएंगे। बहुत अच्छे, ये कुत्ते अगर आपके पीछे पड़ जाए ना और ऊपर से साथ में टास्क फोर्स हो, फिर तो भाग पाना नामुमकिन हो जाता है। ये आधुनिक उपकरण और ये सक्षम टीम बताते हैं कि कंजर्वेशन की ये जंग इनके लिए कितनी जरूरी है। राइनो की जंग की यही सच्चाई है। यही है आधुनिक युग की कंजर्वेशन। ये वो सच हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, मगर साउथ अफ्रीकन नेशनल पार्क्स के लिए उनकी ये मुहिम और पुरजोर कोशिश ही उनकी कामयाबी का कारण है। शिकारियों के खिलाफ ये जो जंग छेड़ रहे हैं और जानवरों को बचाने के लिए ये लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं, इससे हमारे बच्चों के बच्चे इन जानवरों को देखेंगे। हम लगातार टास्क फोर्स के पीछे पीछे चल रहे थे कि अचानक एक ऐसी बदबू आई जिससे हम वाकिफ हैं। किसी जानवर के मरने की बदबू है। जब जानवर मर जाता है उसकी लाश सड़ने लगती है। हम बदबू के पीछे जा रहे हैं क्योंकि ये मामला तो सुलट गया है। हेलीकॉप्टर लगातार पोचर्स पर नजर रखे हुए, कुत्ते भी पीछा कर रहे हैं और हम इस बदबू का पीछा करके देखेंगे कि क्या हुआ है। आइवन, यहाँ पेड़ पर वल्चर्स के फेदर्स लटके हुए हैं, तो जो भी जानवर मरा है वो ज्यादा दूर नहीं होगा हमसे। पता है जंगल में हर चीज इन छोटे सुरागों में छिपी होती है। ये जो वल्चर के पंख है ना, यही वो छोटे छोटे सुराग हैं जो रास्ता दिखाते रहते हैं। हे, नहीं 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 सिम्बा, नहीं। यहाँ पर एक राइनो की लाश पड़ी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। ये जंग इन्हीं के लिए तो लड़ी जा रही है। आसमान में हेलीकॉप्टर है जो पोचर्स का पीछा कर रहा है। यहाँ पर एक राइनो की लाश पड़ी है जो कुछ दिन पहले मरा था, जिसका रास्ता हमें इन छोटे छोटे वल्चर के पंखों ने दिखाया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। बदबू बहुत तेज है। राइनो की सिर्फ त्वचा बची है। जान जाते ही इसका पूरा शरीर भी खाली कर दिया गया है, जो कुछ दिन पहले एक जिंदा राइनो था। यकीन नहीं होता, दिल टूट जाता है मेरा जब ऐसा कुछ देखता हूं। ये कोई तस्वीर नहीं है और ना ही ये कोई कल्पना है, ये सच्चाई है। ऐसा कुछ होने से रोकने के लिए ये टीम बनाई गई है और इसी के लिए साउथ अफ्रीकन नेशनल पार्क्स लाखों डॉलर्स खर्च करते जा रहे हैं ताकि पोचर्स की रोकथाम हो जाए। सिर्फ एक या दो राइनो बचाने के लिए नहीं, बल्कि इनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमें कुछ करना होगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाथियों की तरह राइनोज भी जानवरों के ऐसे ग्रुप का हिस्सा हैं जिन्हें पैकीडर्म्स कहते हैं। इनका सींग उतना यूनिक नहीं जैसा कि एशियाई मार्केट के खरीदार समझते हैं। एक बात कहूं, ये राइनो के पैर का सोल है। राइनो के जो खुर होते हैं, ये दरअसल एग्जैक्टली सेम सींग वाला ही मटीरियल है, जबकि इसे कचरे की तरह छोड़ के चले गए हैं और सींग ऐसे ले गए हों जैसे बहुत कीमती हो। इतना कीमती कि राइनो की जान ले ली। इस सब का बंद होना जरूरी है। लोगों की नासमझी की वजह से बेगुनाह बेजुबान जानवर मर रहे हैं। जेफरी को शिकारियों के पैरों के निशान मिले। क्या एक और? नहीं, ये इन शिकारियों के पैरों के निशान है। वो शायद यहाँ भी आए थे और यहीं से ऑपरेट करते होंगे। हमें लाश के पास ताजे पैरों के निशान मिले हैं। ये शिकारी शायद यहाँ अक्सर आते हैं। आपने हमें जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे, कुछ 6 लोग शायद उसी तरफ जा रहे हैं। ओके कॉपीड। रास्ते पर उन्हें कुछ बैग्स और चीजें मिली हैं जो ये शिकारी भागते समय रास्ते पर फेंकते गए। तो मैं पुलिस हेलीकॉप्टर को बुला रहा हूँ जो फॉरेंसिक टीम के साथ आकर उन चीजों को उठाएगा। वैसे आप जो यहाँ कर रहे हैं वो किसी जंग से कम नहीं है। हाँ, है तो जंग जिसे रोज लड़ते हैं। ये तीसरा हेलीकॉप्टर बुलवाया गया है। वो लोग भाग चुके हैं, वो लोग अपने बैग फेंक के चले गए। उस हेलीकॉप्टर में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग हैं जो इन बैग्स के अंदर की चीजों की जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या है। ये सब कुछ उन पोचर्स को रोकने के लिए ही किया जा रहा है और उन लोगों को सबक सिखाने का यही तरीका है।
हमारा ही एक आदमी बैग लेकर आया है, वो बैग को उनके हवाले करेगा, फिर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जल्द से जल्द उन बैग्स को ले जाकर उनकी जांच करेगा। ये लोग सुराग ढूंढ रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग कहां से आए हैं, मोजाम्बिक या कहीं साउथ अफ्रीका के पूर्वी छोर से तो नहीं आए। इन्हें जो सुराग मिल जाए ताकि वो जानकारी सेंट्रल इंटेलिजेंस को दी जा सके, जो पता लगा सकते हैं कि ये लोग कहां से आए थे। रिचर्ड बैग को फोरेंसिक टीम के हवाले करते हैं और इन्हें अभी अभी पोचर्स के बारे में एक अपडेट मिली है। वो लोग भाग कर सीमा से निकलने की कोशिश करेंगे, इसीलिए हमारी टीम में कुत्ते हैं और ये कुत्ते रात में अच्छी तरह देख सकते हैं और पीछा कर सकते हैं। चौपर्स पर भी नाइट विजन लगा हुआ है जिससे हम अंधेरे में भी उनका पीछा कर पाएंगे। हम क्रूगर के बॉर्डर इलाके में हैं, सीमा के पास। अगर शिकारी हमारे उन तक पहुंचने से पहले सीमा पार कर गए तो उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। सूरज डूब रहा है और अब हमारा साथ नहीं देगा। हेलीकॉप्टर अंधेरा होने तक उनका पीछा करेंगे, कुत्ते भी काम पर लगे हुए हैं, ये जंग अभी जारी है। टीम काम पर लगी हुई है जो इन शिकारियों को पकड़ने में सक्षम है। हम इनकी और कोई मदद नहीं कर पाएंगे तो हम अब उस काम पर लग रहे हैं जिसके लिए हम यहाँ आए थे। हर रोज सैकड़ों जानवरों की जान महज एक काल्पनिक मान्यता के कारण जाती है और यहाँ साउथ अफ्रीका में ये जंग अपनी चरम पर है। और इस जंग के बीचों बीच फंसे हैं राइनोस, जिन्हें उनके सींग के लिए मारा जाता है। एशियाई देशों में राइनो के सींग को अमीर दौलतमंद होने का प्रतीक माना जाता है। मैं जानता हूँ ये जंग कौन लड़ रहा है, बहादुर कंजर्वेशनिस्ट्स, रेंजर्स और जानवरों के डॉक्टर। और मुझे पता है वो ये जंग कैसे लड़ते हैं, सींग में माइक्रोचिप्स और जमीन और आसमान में मिलिट्री के लोगों को लगाकर। अब सवाल ये उठता है, क्या पोचिंग को रोकने के लिए इतना काफी है और क्या कोशिश की जा सकती है ताकि इस जंग को खत्म किया जा सके? क्या राइनोज का कोई भविष्य है या उनकी कहानी का एक दुखद अंत होने वाला है? मैं यहां क्रूगर नेशनल पार्क में इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूं, जहां हम एक मादा का पीछा कर रहे हैं जो शायद जख्मी हो सकती है। इस तलाश में मैंने लिविंगस्टोन को बुलाया है। ये वो शख्स है जिसके साथ पिछले कई वर्षों में मैंने कई हैरत अंगेज नजारे देखे हैं और जिसके ट्रैकिंग स्किल्स कमाल के हैं। एक अच्छा ट्रैकर वो देख लेता है जो हम नहीं देख पाते। पैरों के निशान देखकर वो बता सकते हैं कि ये निशान कब बने, जानवर की उम्र क्या है और ये भी कि उस जानवर की मंशा क्या है। लिविंगस्टोन जैसे ट्रैकर का साथ में होना बहुत जरूरी है। मुझे तो सिर्फ पैरों के निशान दिखते हैं, पर ये पैरों के निशानों को ऐसे निहारता है जैसे किसी पेंटिंग को देख रहा हो। इसे देखकर मजा आ रहा है मुझे। रिचर्ड और जानवरों के डॉक्टर की टीम को बुलाने से पहले मुझे अपनी आंखों से उस राइनो को देखना होगा। वो यहाँ खा रही थी? हाँ, ऐसा लगता है वो यहीं पर खा रही थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कैसे कटी हुई है। ये घास के तने देखिए यहाँ, इन्हें देखकर लगता है इन्हें कैंची से काटा गया है, यानी कि राइनो यहाँ पर चर रहा था, यहीं से गुजरी होगी। घास बड़ी सफाई से काटी गई है। ये एक राइनो है जो कल ही यहाँ से सटकर निकला होगा। ट्रैकिंग इसीलिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। हम नहीं चाहते कि दूसरे राइनोज के ट्रैक्स हमारा रास्ता बदल दें, क्योंकि हम एक राइनो को ढूंढ रहे हैं। जमीन सख्त है और पैरों के निशान देख पाना बहुत मुश्किल है, पर लिविंगस्टोन की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। अरे वाह, यहाँ देखो, मुझे गोलियों के निशान तो नहीं दिख रहे, मगर इनकी त्वचा इतनी सख्त होती है और कुछ ही देर में इनके जख्म भर जाते हैं, गोलियों के निशान भी गुम हो जाते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि हम कल शाम से इसी राइनो का पीछा कर रहे हैं, यही अपने पैरों के निशान छोड़ रहा है। हमें बस पक्का करना है। अब हम थोड़ा दूर चलते हैं ताकि मैं खोलकर रिचर्ड से बात कर सकूं। यहां से निकलो, आ जाओ इस तरफ चलते हैं। सभी संकेत बताते हैं कि यही मादा राइनो है। ये ठीक लग रही है, बुलेट होल छोटे होते हैं और हो सकता है वो घाव भर भी गया हो। मैं रिचर्ड से रेडियो पर बात करने के लिए पीछे हट गया। कॉन्ट्रैक्टेड वाइल्ड लाइफ वेटरिनेरियंस यहां पर आ रहे हैं, जो दुनिया के सबसे अनुभवी वाइल्ड लाइफ डॉक्टर्स हैं। वेटरिनेरियन पीटर रॉजर्स राइनो को डार्ट मारने में माहिर हैं। वो हमारी ही कॉल का इंतजार कर रहे थे। उनके आते ही मैंने उन्हें राइनो की जानकारी और उसकी लोकेशन के बारे में बताया।
जी हाँ, वो राइनो यही वैली के अंदर ही है। हेलीकॉप्टर को देखते ही राइनो दौड़ने लगी और उसके साथ दो और राइनो दौड़ने लगे। काफी कुछ दांव पर है, अगर गलत राइनो को डांट लग गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। देखिए हेलीकॉप्टर नीचे जा रहा है, यानी वो लोग डांट मारने को तैयार हैं। अब शुरू होते हैं इस खेल के सबसे जरूरी और पेचीदा 7 मिनट। अगर वो डांट राइनो को ठीक से लग गया तो लगभग 7 मिनट में राइनो बेहोश होना चाहिए। डांट लग चुका है, अब पीछे नहीं हटा जा सकता। अगर ये मादा वाकई घायल है तो दुनिया की बेहतरीन वेटरिनेरियन टीम इसका इलाज करेगी। ये बहुत अच्छी बात है, राइनो बिल्कुल खुले मैदान में आ गई है, जिससे उस तक पहुंचना। मैंने ढक दिया, चलो ठीक है। जरा उस तरफ नजर डालो रिचर्ड, इस तरफ तो कोई जख्म नहीं दिख रहा है मुझे। रिचर्ड उस तरफ कोई जख्म नहीं है? नहीं। बहुत बढ़िया, ये जख्मी नहीं है, बस सामने की तरफ कुछ खरोचे हैं। इस राइनो को एक भी गोली नहीं लगी, जो कि बहुत अच्छी खबर है। ये तो अच्छी बात है। अब वेटरनेरियंस को बहुत जल्दी काम करना होगा। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में इस राइनो को उठकर अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। देखिए इसके पैर कांप रहे हैं, इनके पैरों का कांपना इस दवाई का ही एक असर है। हम इसे धकेल कर इसके पेट के बल रख देंगे, जो कि राइनो के लिए बेहतर होता है, ताकि इसके फेफड़ों में लिक्विड ना भर जाए और इसे सांस लेने में दिक्कत ना हो। इस राइनो को बिल्कुल चोट नहीं लगी, ये आज की पहली अच्छी खबर है। पर हम इस मौके का फायदा उठाने वाले हैं। हम लोग इसके सींग में कुछ ट्रांसपोंडर्स लगाने वाले हैं। हर तरह का माप लेंगे हम इस राइनो का और इसके कानों को नॉच करेंगे, ताकि हम लोग दूर से ही इसकी पहचान कर सकें। अब इसे ऑक्सीजन दिया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जानवर कितना कीमती है, सिर्फ पैसों से कीमती नहीं बल्कि इस इकोसिस्टम के लिए कितना कीमती। इन डॉक्टर्स पर बहुत प्रेशर होता है कि ये सब काम ठीक से हो। इस राइनो पर कोई घाव नहीं, जानकर खुशी हुई कि ये राइनो सुरक्षित है। इससे उम्मीद मिलती है कि हमारी कोशिशें बेकार नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस जानवर की सुरक्षा के पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितनी कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ इस राइनो को ढूंढने में हम लोगों ने अपना इतना सारा वक्त लगाया, बल्कि अब जबकि ये बेहोश हो चुकी है तो हम मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं, ताकि ये पक्का कर लें कि इससे जितनी जानकारी हम हासिल कर सकते हैं करें। ये सारी जानकारी एक डेटाबेस में भरी जाएगी और राइनोज के कंजर्वेशन में हमारी काफी मदद करेगी। रिचर्ड, मुझे दुख है कि कल हमने इसके बच्चे को खो दिया, पर आज माँ को सुरक्षित देखकर मुझे बहुत राहत मिल रही है। मेरा मतलब ये माँ आगे चलकर और बच्चों को जन्म दे सकती है। एक प्राइम ब्रीडिंग एडल्ट है ये, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। वेटरिनेरियंस ने राइनो को M99 का एंटीडोट दिया, जो अब इसकी रगों में दौड़ रहा है।
लगती है हम पीछे हटते रहेंगे और गाड़ी में बैठ जाएंगे। हो सकता है इसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो क्योंकि इसे बहुत स्ट्रेस हुआ है। इसके आसपास इंसानों की स्मेल है। इसकी आखिरी याद यह है कि हेलीकॉप्टर इसका पीछा कर रहा था। हमें इसके रास्ते में नहीं आना है। ये कितनी खूबसूरत है। महज एक संख्या बनकर रह गए हैं, मगर ये जानवर महज एक संख्या नहीं है और राइनो की जंग एक हकीकत है जो हर रोज लड़ी जाती है।